अब मेरी बुक का नाम जो करा रहा हूँ आपको वो है परचेज रिटर्न बुक। तो जब इस बुक को यूज़ करते हैं, जब हम गुड्स कोई परचेज करते हैं और उसको हम वापस कर दें, दिस बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स आर वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जो गुड्स आपने क्रेडिट में खरीदा था, अगर हम उस गुड्स को वापस कर दें तो उसकी एंट्री किस बुक में करते हैं? परचेज रिटर्न बुक में करते हैं। इसका एक नाम और भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवार्ड बुक भी बोलते हैं इसको। रिटर्न क्या बोलते हैं? आउटवार्ड बुक्स। तो कई रीज़न होते हैं गुड्स वापस करने के। एक तो गुड्स अगर सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं आता तो वापस कर सकते हैं हम। एक गुड्स आपका ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं आया, जो क्वांटिटी मंगवाई थी, या गुड्स की उसमें कोई डिफर आ गया, या गुड्स आपका डिफेक्टिव है, या रास्ते में डैमेज हो गया है, या प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लिया जितना हमने उस पर एग्रीड प्राइस से ज़्यादा ले लिया हो, या गुड हैव नॉट डिलीवर इन टाइम, टाइम पे नहीं आया गुड्स आपका। तो कई रीज़न होते हैं जिसमें हम गुड्स को क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। देखिए, जब गुड्स को वापस करते हैं तो इसमें व्हेन द गुड्स आर रिटर्न एक डेबिट नोट प्रिपेयर होता है, वो हम सप्लायर को भेजते हैं गुड्स के साथ। इसकी दो कॉपीज बनाते हैं, इसमें पार्टी का नाम लिखा होता है कि हम गुड्स वापस कर रहे हैं, डिटेल बताई होती है कि रीज़न बताया होता है किस रीज़न से गुड्स वापस कर रहे हैं। दो कॉपी तैयार होती है इसकी, एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं और एक कॉपी उसके पास भेज देते हैं सप्लायर के साथ, और उस बेस पे हम उसके अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, सप्लायर का अकाउंट डेबिट होता है, जैसे परचेज करने की एंट्री बताओ क्या होती है, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। जब हम रिटर्न करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो जो उसका अकाउंट को डेबिट करना, किस बेस पे डेबिट होता है, डेबिट नोट के बेस पे डेबिट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा परचेज रिटर्न बुक का, एक तो सबसे पहले डेट डालनी है, नेम ऑफ द सप्लायर, डेबिट नोट नंबर आता है इसमें, जैसे वहाँ इनवॉइस नंबर था, यहाँ क्या है डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल, परचेज रिटर्न। जैसे परचेज पे इनपुट CGST होता है, परचेज रिटर्न पे भी इनपुट CGST रहेगा, इनपुट SGST रहेगा, इनपुट IGST रहेगा, और टोटल अमाउंट्स का आपका कॉलम रहेगा। तो ये बना रहे हैं फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक, और इसमें वो एंट्री करनी जो गुड्स आपने ख़रीदा था, परचेज़ किया, तो अगर वो पसंद ना आए या कुछ रीज़न हो, उसको हम क्या करते हैं, वापस करते हैं। उसकी एंट्री जिस बुक में करते हैं उसको क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बुक बोलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ द गोविंद ट्रेडर्स, और CGST SGST क्या रेट दे रखा है, 6-6% दे रखा है, न्यू डेली का है। पहली एंट्री भी न्यू डेली से है, दूसरी भी न्यू डेली से है, तीसरी भी न्यू डेली से है, तो दोनों आपके लगेंगे। इसमें CGST भी होगा, SGST भी होगा। तो January 15, 2017, रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू डेली। तो पार्टी का नाम लिखेंगे, January 15 हो गया, डेट डालेंगे यहाँ पे, January 15, Jan 15। पार्टी का नाम क्या है, राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू डेली। तो इसमें वो दे तो रखा नहीं, क्या क्या रिटर्न किया, सीधा 20,000 आप अमाउंट वाले कॉलम में डाल दीजिए, डिटेल वाले कॉलम में। तो डेबिट नोट नंबर आपका इसमें जो कटा है वो है आपका 140, ये डेबिट नोट नंबर है, या डेबिट नोट नंबर का कॉलम बनेगा। लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 20,000 के ऊपर बनाएंगे, आपका 10% है, 2,000 आपका पहले लेस कर देना इसमें से, तो हमारे पास 18,000 आएगा। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे CGST और SGST, क्या क्या रेट दे रखा है, 6% 6% लेंगे, यहाँ भी 6% लेंगे, यहाँ भी 6% लेंगे। तो 18,000 का 6% ये बनेगा 1080, यहाँ भी आप 1080 डालेंगे, टोटल कर देंगे फिर इसका। तो 18,000 प्लस करेंगे 1080 प्लस करेंगे 1080, टोटल आपका बन जाएगा 20160 आपका यहाँ आ जाएगा। तो उसके बाद आपका ये टोटल आपका फिर इसके अंदर डालेंगे 18,000, तो आप परचेज रिटर्न में डालेंगे 1080, आप इनपुट CGST में डालेंगे 1080, आप इनपुट SGST में डालेंगे, इसमें कुछ नहीं आएगा, टोटल हम डाल देंगे 20160 आपका यहाँ आ जाएगा। 20 क्या आएगा, 160 यहाँ डाल दीजिए, ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। दोबारा राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू डेली, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आपको दे रखा है इसमें 10% है, प्लस करेंगे CGST और SGST, टोटल करके ये अमाउंट आपका बन जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट एंट्री डालते हैं, January 20 वाली एंट्री है, Jan 20। तो ये भी रिटर्न किया है, किसको रिटर्न किया हमने, गोपाल सन्स न्यू डेली, तो यहाँ में डालेंगे गोपाल सन्स है, न्यू डेली है, इसमें भी नहीं रिटर्न लिखा हुआ, रिटर्न किया 50,000 का। एज द गुड्स वर नोट अकॉर्डिंग टू द सैम्पल, डेबिट नोट नंबर 141, तो डेबिट नोट नंबर हम डालेंगे 141 डालेंगे, अमाउंट आपका हो गया इसमें 50,000।
इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, बस इसमें सीधा वो लगा देना आप CGST और SGST। CGST है और SGST कितना कितना रेट दे रखा है, 6%, 6%, तो 3000 आएगा। यहाँ भी 3000 आ जाएगा, टोटल आपका बन गया 56000। तो हम क्या करेंगे, 50000 तो आप पर्चे रिटर्न में डाल देना, 3000 आपका इसमें आएगा इनपुट CGST, इनपुट SGST, टोटल आपका 56000 यहाँ डाल दीजिए। नेक्स्ट एंटी पे आ रहे हैं हम एक बार, एक और एंटी आ रही 25 वाली, अनाउंस क्लेम फ्रॉम रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस। आपको कह सर ये रिटर्न तो है नहीं, लेकिन इसकी एंट्री आपकी करनी है आपने, क्योंकि ये ना डेबिट नोट नंबर कटा हुआ है। कई बार क्या होता है, जैसे रेट ज़्यादा लगा दिया हम गुड्स को वापस करने लगे, तो फिर वो सेटलमेंट कर लेता है, कहता है ऐसा करो जी आप जो एडजस्ट कर लो, जो भी रेट मैंने ज़्यादा लगाया एडजस्ट करके बाकी मुझे पेमेंट कर दो, उसका भी डेबिट नोट कटता है। तो इसकी एंट्री भी आप परचेज रिटर्न में शो करोगे, जैसे गुड्स वापस करें वैसे ही आपने शो करनी है। अलाउंस वगैरह कोई क्लेम अगर किया है ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक तो इन द इनवॉइस, तो इसको भी आप यहाँ शो करोगे परचेज रिटर्न में। जनवरी 25 हो गया, पार्टी का नाम है इसमें दे रखा रघुवीर प्रसाद, रघुवीर प्रसाद है, और ये भी आपका न्यू डेली का है। तो इसका अमाउंट है आपका 10000, यहाँ 10042 आपका इसमें इनवॉइस नंबर रहेगा, 1415, 10000 यहाँ डाल दीजिए। अच्छा, इसमें भी लेस वो करेंगे ऐड, CGST और SGST जोड़ेंगे, कितने कितने परसेंट दे रखा है, 6%, 6%, तो 600 आएगा, यहाँ भी 600 आ जाएगा, फिर तो आप टोटल कर देंगे यहाँ पे 10000 प्लस 1200, ये बन जाएगा 11200। इसके सामने शो करेंगे 10000, तो आप यहाँ डाल दीजिए, 600 आपका यहाँ आएगा, 600 आपका यहाँ आएगा, टोटल आएगा 11200 यहाँ डाल दीजिए। अब आपका इसका लाइन लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ टोटल फिर तो डेट लास्ट डालेंगे जून 30 है, जैन 30 होगी, जून 30 है, जून 30 डालेंगे। एक तो आपने टोटल करना है, किसका टोटल करना है, परचे रिटर्न का। परचे रिटर्न का जो टोटल बनता है आपका बनता है 78000 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ टोटल करेंगे तो बन जाता है हमारा 4680 आ जाएगा, यहाँ भी 4680 आएगा, और उसके बाद ओवरऑल टोटल करेंगे तो टोटल हमारा बन जाता है इसमें 87360 यहाँ पे आ जाता है। एक लाइन और लगा देंगे यहाँ पे, ये टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है आपकी सेल रिटर्न बुक है, सेल रिटर्न बुक्स मीन्स क्लियर, तो मीनिंग आपने कर लिया होगा, जब सेल रिटर्न है जो गुड्स आपने सेल किया था अगर वो वापस आ जाए तो उसकी एंट्री किस बुक में करते हैं, सेल रिटर्न बुक में करते हैं, इसको रिटर्न इनवार्ड बुक भी बोलते हैं। और जब गुड्स जब वापस आता है तो एक क्रेडिट नोट तैयार होता है, हम ही तैयार करेंगे उसको, जिसके पास गुड्स वापस आए उसकी दो कॉपी बनती है, कॉपी उसके पास फिर मेरी जाती है जिससे गुड्स वापस करा जो हमें, दूसरी कॉपी अपने रिकॉर्ड में हम करते हैं ताकि उसके अकाउंट को क्रेडिट कर सके, क्रेडिट करते हैं ना, जैसे गुड्स सोल्ड टू राम है, राम डेबिट टू सेल, जब वापस आएगा तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, तो राम का अकाउंट क्रेडिट इस बेस पे होता है, क्रेडिट नोट के ऊपर, वहाँ डेबिट नोट करता है जब परचेज रिटर्न होती है, यहाँ क्या होता है क्रेडिट नोट करता है जब आपकी सेल रिटर्न होती है, एक तरह से सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है, प्रूफ होता है कि गुड्स हमें वापस आया, ये जो बेचा था गुड्स हमारे पास क्या आ गया, वापस आ गया। तो फॉर्मेट आपका इसमें जो रहेगा, सबसे पहले डेट डालेंगे, नेम ऑफ द कस्टमर, वहाँ पे नेम ऑफ द सप्लायर था, क्रेडिट नोट नंबर, LF, डिटेल, सेल रिटर्न, आउटपुट CGST, आउटपुट क्या रहेगा SGST, आउटपुट IGST और टोटल, वहाँ पे इनपुट का था या आउटपुट का, जैसे सेल में आउटपुट होता है वैसे सेल रिटर्न बुक में भी क्या होता है, आउटपुट होता है। तो डालेंगे यहाँ पे नंबर एक पहले डेट डालेंगे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका दे रखा है 6, प्रिपेयर सेल रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ रामलाल एंड कंपनी, हिसार हरियाणा का है, ये भी हरियाणा है, ये भी हरियाणा, ये भी हरियाणा, तो सारी एंट्री हरियाणा की हैं। और आपने CGST और SGST क्या रेट लगाना है, 6% लगाना है। तो पहली एंट्री गुड रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी, तो डालेंगे यहाँ पे डेट April 6, गंगा प्रसाद एंड कंपनी, और ये करनाल की है, करनाल भी डालेंगे साथ में। तो इसमें जो रिटर्न कर रहा है 1 टेबल फैन है, एट द रेट ऑफ 6000 का एक है, तो 6000 आप डिटेल में डालना, लेस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 15% आपका है,
तो 900 आपका ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, टोटल आपका बनेगा 5100 जो यहाँ शो करोगे, तो इसमें प्लस करेंगे फिर आउटपुट, आउटपुट CGST और SGST होगा, दोनों का रेट आपका 6-6% दे रखा है, इसका भी 6% है, इसका भी 6% है, तो 5100 पे बनाएंगे 6%, तो 306 बनेगा ये, यहाँ भी आप 306 डालेंगे, टोटल करेंगे, टोटल हमारा बन जाता है 5712। फिर इसका जो 5100 है ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद आया, वो तो आप सेल रिटर्न में डालेंगे यहाँ पे, और 306 आपका आउटपुट CGST होगा, 306 आपका आउटपुट SGST होगा, ये IGST है नहीं, टोटल करेंगे 5712 आपका यहाँ दिखा देंगे। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं, नेक्स्ट एंट्री आपकी आ रही है अप्रैल 10, मार्च 10 की, ये सॉरी अप्रैल 12 डालेंगे, ये आपके सामने श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, वैल्यू आपकी कितनी थी 40,000, तो ये भी वापस आ रहा है, तो डालेंगे 12। पार्टी का नाम क्या है, श्याम ऑयल मिल्स, और ये है यमुनानगर हरियाणा, और ये हमारे पास हो गया 40,000, यहाँ डालेंगे 40,000 में हम ट्रेड डिस्काउंट तो इसमें है नहीं, बस इसमें वो जोड़ देना आउटपुट CGST आएगा एक तो, और एक आउटपुट क्या रहेगा SGST रहेगा, और ये रेट आपको दे रखा है 6-6% दे रखा है, इसका भी 6%, इसका भी 6%, तो 2400 ये बन जाएगा, 2400 आपका ये बन जाएगा, तो टोटल कर देंगे इसका, तो ये बन जाएगा आपका 4480। तो इसमें हम डालेंगे 40,000, तो यहाँ डाल देना 2400 हो गया, 2400 हो गया, और टोटल डालेंगे 4480 यहाँ डाल देना। हाँ जी, समझ में आ गया, दोबारा था ना, श्याम ऑयल श्याम मिल्स यमुनानगर हरियाणा, तो आउटपुट CGST आउटपुट SGST टोटल करेंगे यहाँ पे, उसको नेक्स्ट एंट्री डालते हैं, नेक्स्ट एंट्री है अलाउंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद हरियाणा ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस, नंबर कितना था 2500। इसकी भी एंट्री मैंने आपको कहा था होगी, क्योंकि ये बिल की एडजस्टमेंट होती है, आपस में रेट वोट ज़्यादा लग जाता है, तो अलाउंस वगैरह काट के, लेकिन इसका भी क्रेडिट नोट कटेगा, यहाँ क्रेडिट नोट नंबर है नहीं, तो क्रेडिट नोट नंबर लिख देते हैं हम यहाँ पे, डेट आपकी 18 है, संजय एंड कंपनी, तो अप्रैल 18, तो संजय एंड कंपनी डालेंगे यहाँ पे, और ये संजय एंड कंपनी आपकी है इसमें फरीदाबाद हरियाणा, लाइन करेंगे इसको, और ये अमाउंट है आपका है इसमें जो वापिस है इनवॉइस का अमाउंट 2500 है, डिटेल में प्लस इसके अंदर भी वो लगाएंगे आउटपुट CGST, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है, आउटपुट SGST 6-6% लगा देंगे, तो 6% जब लगाओगे तो हमारा बन जाता है 150, ये बन जाता है 150, ये बन जाता है, टोटल करेंगे इसका, टोटल हमारा बन जाएगा 2800। इसके सामने 2500 तो आप यहाँ डाल दीजिए, 150 यहाँ आएगा, 150 यहाँ आएगा, टोटल ओवरऑल हमारे पास कितना बन जाएगा 2800 यहाँ डाल दीजिए। अब उसकी नीचे लाइन लगाएंगे फिर हम यहाँ पे, और ये टोटल आपका कॉलम रहेगा टोटल का, एक तो इसका टोटल और जे रिटर्न का टोटल बन जाता है 4760, एक इसका टोटल आएगा, ये आपका आएगा 2856, इसका भी कितना बनेगा 2856 आ जाएगा, इसका कुछ नहीं है यहाँ पे, इसका टोटल आपका बन जाएगा यहाँ पे 5312, ये हमारा पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हमने बुक करी है, एक तो मैंने आपको कराई है परचेज रिटर्न बुक, इसमें हम खाली क्रेडिट जो गुड्स आपने खरीदा था वापस करने की एंट्री इस बुक में करते हैं, फॉर्मेट सेम रहेगा, बस यहाँ डेबिट नोट नंबर आ जाएगा, जो परचेज बुक का फॉर्मेट था वही रहेगा, और डेबिट नोट नंबर आएगा, और जो सेल रिटर्न बुक है उसमें कौन सा रहेगा, क्रेडिट नोट नंबर आपका रहेगा, इसमें जो गुड्स बेचा था वापस आने की एंट्री करते हैं, उसमें जो गुड्स खरीदा था वापस करने की एंट्री करते हैं, इसमें डेबिट नोट होता है, इसमें क्या होता है क्रेडिट नोट होता है, दो दो कॉपी बनती है डेबिट नोट क्रेडिट नोट की, एक को तो वापस कर देते हैं कस्टमर को या सप्लायर को,
और दूसरी कॉपी अपने पास रिकॉर्ड में एंट्री कर लेते हैं रखने के लिए। तो आज के लिए जो क्वेश्चन आपने करने हैं, एक तो आपने क्वेश्चन नंबर 5th करना है, पांचवा क्वेश्चन करोगे, एक 6th करोगे, और 2 ही दिन का चैप्टर और आपका है, ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। आज इतना ही करना है, तो 5th क्वेश्चन और एक 6th क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी कल करेंगे। तो 5th और 6th दो क्वेश्चन आप कर रहे हैं।